नमस्कार, मैं हूं कविता। हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और यूनिक सा सैलेड, जिसे हम स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं और ब्रेकफास्ट के रूप में भी खा सकते हैं। ये ढोकला सैलेड आपको ज़रूर पसंद आएगा, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस मौसम में सैलेड खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे हम ये एक कप बेसन। बेसन को छान लिया है और साथ ही ऐड करेंगे इसमें एक कप सूजी। परफेक्ट मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी सेट करें, उसी के अकॉर्डिंग अपनी सभी चीज़ें लें। इस तरह से अगर हम चीज़ें बनाते हैं तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अब इन दोनों चीज़ों को एक बार मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे दही। ये दही लिया है मैंने एक कप। दही थोड़ा सा इसके लिए खट्टा भी होगा तो भी चलेगा। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे पानी। उसी दही वाले कप में हम ले लेंगे एक कप भर के पानी। पानी को पूरा नहीं डालेंगे इसमें, अभी आधा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी को डालते जाएंगे, एक संग नहीं डालेंगे, इससे क्या है इसमें लम्स पड़ जाते हैं। थोड़ा पानी और डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। सूजी बाद में फूल जाती है तो इसके हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। देखिए अब ये बैटर हमारा ठीक है। अब इसको ढक के रख देंगे करीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि सूजी इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। बाकी का पानी इसमें हम बाद में ऐड करेंगे ज़रूरत होगी तो। जिसमें हमें ढोकला बनाना है वो बर्तन देख लेते हैं। मैंने लिए ये कढ़ाई और उसमें डाल रही हूँ मैं एक से डेढ़ गिलास पानी। और फ्लेम को रखेंगे हम बिल्कुल लो और इसमें रख देंगे ये कोई भी इस तरह का स्टैंड जिसके ऊपर हम ये बर्तन रख सकेंगे। मैं इसको ये केक टिन में बना रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का बर्तन नहीं हो, कोई दूसरा हो तो वो भी चलेगा। अब इसको पानी को ढक देंगे और इसको ढककर बॉईल होने देंगे। इतनी देर में हम केक टिन को तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई केक टिन नहीं हो तो आप इसको किसी थाली में भी बना सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और ऑयल से बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि ढोकला इसमें चिपकेगा नहीं। देखिए ग्रीस हो गया है। अब बैटर को चेक करेंगे, एक बार मिक्स करेंगे। अब ये देखिए थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, तो जो बाकी बचा हुआ पानी है इसे ऐड कर देंगे। इसमें पूरा ये एक कप पानी लग गया है। एक बार इसको फेंट लेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए ये हमारा बैटर अब बिल्कुल ठीक है। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। एक बड़ा चम्मच दरदरी कुटी हुई अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट। साथ ही ऐड करेंगे इसमें हम एक चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। और साथ ही ऐड करेंगे इसमें एक चम्मच चीनी। चीनी ढोकले में ज़रूर डलती है क्योंकि ढोकला खट्टा मीठा बनता है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें एक चम्मच ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल डालने से ढोकला हमारा और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसे भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब ढोकला एकदम स्पंजी और सॉफ्ट बने उसके लिए डालेंगे इसमें हम इनो। इनो आप इसमें कोई सा भी डाल सकते हैं। ये मैंने लेमन फ्लेवर का लिया है। पूरा एक पाउच इसमें डाल देंगे। अब इनो को एक्टिवेट करने के लिए डालेंगे इसमें करीबन एक चम्मच पानी। देखिए ये इनो एक्टिवेट हो गया है। अब इसको हल्के हाथ से बैटर को मिक्स करेंगे। इसको बहुत तेज़ नहीं फेंटेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से हमें मिलाना है। देखिए ये हमारा बैटर एकदम से फ्लफी हो गया है। अब इसे जल्दी से ऐड कर देंगे हम केक टिन में जिसमें हम बना रहे हैं ढोकला। पूरा इसमें बैटर डाल देंगे। थोड़ा सा इसे टैप करेंगे जिससे कोई इसमें कोई एयर वगैरह होगी वो निकल जाएगी। अब इसे रख देंगे हम स्टीम के लिए। देखिए कढ़ाई में पानी बॉईल होने लगा है, संभाल के रखेंगे क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। और फ्लेम को कर देंगे यहाँ पर हम मीडियम से हाई और इसे ढक देंगे। ढक कर करीबन इसे 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। बीच में चेक नहीं करेंगे, 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। ढंग से ढक देंगे जिससे कि इसमें साइड से इसकी जो
स्टीम होती है वो नहीं निकले, इसका ध्यान रखेंगे। ढोकला स्टीम हो रहा है, इतनी देर में उसमें डालने वाला पानी तैयार कर लेते हैं। कोई भी पैन लेंगे और उसमें डालेंगे हम ये 1 टेबल स्पून ऑयल। फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम, ऑयल को गर्म होने देंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें हम 1 टीस्पून सरसों के दाने, जिसे राई भी कहते हैं। राई को तड़कने देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 3 से 4 हरी मिर्ची और साथ ही ऐड करेंगे 20 से 25 करी पत्ते। इन दोनों को करीबन आधे मिनट के लिए इसमें भून लेंगे। साथ ही ऐड करेंगे इसमें हम ये पानी ऐड करेंगे इसमें 2 कप, क्योंकि हमने सूजी और बेसन 2 कप लिए थे इसलिए पानी भी उतना ही डलेगा। अब इसमें ऐड करेंगे बाकी चीज़ें। 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें चीनी, और ये 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम डाल रहे हैं नमक, और खट्टेपन के लिए डालेंगे इसमें हम ये साइट्रिक एसिड, जिसे कि नींबू का सत भी कहते हैं, ये लिया है मैंने 1/4 टीस्पून, क्योंकि ढोकले का पानी खट्टा मीठा नमकीन बनता है। अब इन सभी चीज़ों को मिला देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। फ्लेम को यहाँ पर कर देंगे हम मीडियम से हाई। देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब इसे बस हमें 2 मिनट के लिए बॉईल करना है। थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया भी डाल देंगे, इससे पानी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा। ढोकले में वैसे तो मिर्ची लंबी काट कर डलती है, लेकिन मैंने ढोकला सैलेड बनाना है इसलिए मैंने मिर्चियों को इसमें छोटे पीस करके डाला है। अब यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे अब हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि इसको ठंडे होने के बाद ही इस ढोकले में हम ऐड करेंगे। अब ढोकले को चेक कर लेते हैं। देखिए करीबन यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। एक बार बीच में नाइफ़ को डालकर चेक करेंगे। देखिए नाइफ़ इसमें बिल्कुल सूखा निकला है, बिल्कुल भी इसमें चिपका नहीं है, इसका मतलब ढोकला तैयार है। यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे बंद और ढोकले को ध्यान से कपड़े से पकड़कर इसे बाहर निकालेंगे। अब इसे हमें ठंडा होने देना है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे काटेंगे। ढोकला ठंडा हो गया है, आप नाइफ़ को इसके चारों तरफ इस तरह से घुमाएंगे। वैसे तो इसने साइड छोड़ दी है, फिर भी मान लो चिपका हुआ होगा तो वो निकल जाएगा। अब इसके ऊपर प्लेट रख कर इसे पलट देंगे, थोड़ा सा इसको टैप करेंगे, जिससे मान लो इसमें थोड़ा बहुत चिपक रहा होगा तो वो भी निकल जाएगा। देखिए ये ढोकला हमारा कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा स्पंज आया है। देखिए आप इसमें जाली दिख रही होगी आपको, एकदम सॉफ्ट ढोकला बना है। अब इस ढोकले को कट करना है। कट करने के बाद इसको हम मैश करेंगे। आप छोटे बड़े साइज में किसी में भी काट सकते हैं इसको। देखिए मैं आपको इसका एक पीस उठा के दिखाती हूँ। देखिए अंदर इसमें प्रॉपर जाली पड़ी है और ये बहुत सॉफ्ट ढोकला बना है। अब इस खमन ढोकले को हल्के हाथ से इस तरीके से मैश करेंगे। हमें इसके ना तो बहुत ज़्यादा छोटे पीस करने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े पीस करने हैं। देखिए इसे बिल्कुल इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से मैशीसा करेंगे। सारे ढोकले को मैश कर लिया है और इसे 2 बर्तनों में कर लिया है, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा था। अब इसका दोनों में ही हम सैलेड बनाएंगे। अब सभी चीज़ों को रख लेंगे। देखिए ये पानी को हमने इसके पास ही रख लिया है। अब इसके ऊपर इसमें थोड़ा थोड़ा कर इस तरीके से पानी को इसके ऊपर फैलाएंगे। सारे पानी को इसमें एक संग नहीं डालना है, नहीं तो ढोकला बिल्कुल पिचा हो जाएगा। थोड़ा सा डाला है इसमें, अब इसको इस तरीके से हल्के हाथ से इसमें मिला देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे वाले ढोकले में भी डाल देंगे। 5 मिनट इसको ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद इसमें फिर से डालेंगे पानी को। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, एक बार इसे फिर से देखिए इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे और इसमें पानी को फिर से ऐड करेंगे। ये प्रोसेस हमें इसमें 2 से 3 बार करना है, जब तक हमारा इसमें पानी ख़त्म नहीं हो जाएगा। पानी को इसमें इस तरीके से डालेंगे तो ढोकला एकदम खिला खिला बनेगा। देखिए इसमें सारा पानी यूज़ में आ गया है। अब इसको हम 5 मिनट के बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये एक ऑरेंज का मैंने देखिए इस तरीके से जीरा निकाल के रखा हुआ है, साथ ही ये अंगूरों को छोटे छोटे काट लिए हैं, दोनों तरह के अंगूर, और ये अनार के दाने। अब इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे हम ये डेसिकेटेड कोकोनट, ये नारियल का बुरादा है। इससे खमन ढोकले में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास ये नहीं हो और गीला नारियल हो तो आप फ्रेश नारियल को इसमें ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये ब्लैक वाले अंगूर, जिनको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। ये ग्रीन वाले ग्रेप्स जो हैं, इन्हें भी हमने छोटे छोटे पीसेस में काटा है। इस सैलेड में
खट्टे मीठे फल ही डालते हैं। आप चाहें तो इसमें कीवी भी डाल सकते हैं और पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें वो वाला फ्रूट डाल सकते हैं, पर वो फल जो हो वो खट्टा मीठा हो। अब इसमें अनार के दाने भी ऐड कर देंगे, साथ ही ऐड करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिए से ढोकला देखने में जितना अच्छा लगता है खाने में उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी यूनिक सा ढोकला सैलेड तैयार है। अब इसे आप जल्दी से बनाइए, खाइए, सभी को खिलाइए। आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं क्योंकि ये ठंडा भी अच्छा लगता है और इसे आप नॉर्मल में भी सर्व कर सकते हैं। आप इस सैलेड को किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी में स्टार्टर के रूप में भी बना सकते हैं। आप सभी को आज की मेरी ढोकला सैलेड की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।